नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में। इस कंपनी के डेटा और डिटेल्स आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ खास कंपनी है जो आपको फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और कोई भी स्टॉक के ऊपर कोई भी अगर स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनता है तो मैं अब टेलीग्राम में वो अपडेट आपको दे दूंगा। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही ट्रेड आपके साथ में शेयर भी करता हूँ, या कर नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड जो एक NBFC है, जो एक फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, और ये एक महिंद्रा ग्रुप के ही कंपनी है, आनंद महिंद्रा जी की ही कंपनी है। 1991 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप। तो इसका मतलब महिंद्रा महिंद्रा के ऊपर जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, वो भी इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ महिंद्रा ग्रुप भी देखा जाए तो इस कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कंपनीज की कुछ दिनों के मैं बात करूं तो एक मंथ में कंपनी 15% तक रिटर्न दिया, बहुत शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला है। 6 मंथ में क्या हुआ, 6 मंथ में 21% तक कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, 1 साल में 37% के आसपास। मैक्सिमम देखा तो कुछ खास नहीं है, 21% का लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो 790% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी में एक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली स्ट्रांग है अप टेन जाने के लिए। आप कहेंगे सर इतना वोलेटिलिटी क्यों है, क्योंकि देखिए फाइनेंस कंपनी में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो डेटा आपको देखने को मिला है, यहाँ पे कोविड का सीन है। कोविड में यहाँ पे हायर लेवल से मैं सिर्फ कोविड के टाइम में डेटा दिखा दूँ तो अराउंड अराउंड 60% से भी ज़्यादा क्रैश हो चुके थे। तो इस तरीके से क्रैश आपको छोटे कंपनी में देखने को मिलता है, जैसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप, मगर ये कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं है। 30,000 करोड़ के इससे भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो एक लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा एट फ्यूचर में। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, देखिए आप सिर्फ अकेला नहीं कि पब्लिक ने ही इन्वेस्ट करके रखा, तो पब्लिक के इन्वेस्टमेंट देखिए धीरे धीरे करके कम होता गया, और उसी का फायदा किसने उठाया, इंस्टीट्यूशन ने। जैसे FIS के पास देखिए 17% का होल्डिंग था, आज 14% के आसपास है, और DS के पास 16% का होल्डिंग था, आज 25% के आसपास होल्डिंग है। तो 1 साल पहले मैं मार्च क्वार्टर में दिखा और 1 साल पहले मैं मार्च क्वार्टर को दिखूँ तो 16% से डायरेक्ट हो चुके हैं 25%, और DS FIS के 17% से हो चुके हैं 14%। तो ये चीज आपको याद रखना है। प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है, और अभी भी प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग था, आज भी 52.16% का होल्डिंग है। इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, मैं आपको हमेशा बोल के आया हूँ और हमेशा बोलूंगा, क्योंकि कंपनी कर्जे के मामले में भी कंपनी खुद को कंट्रोल किया है। और रही बात कंपनी के डिटेल्स के बारे में, कंपनी देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस के ऊपर जो काम करते हैं वो ऑटो सेक्टर के ऊपर, चाहे वो आप देख सकते हैं यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, तो साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के ऊपर भी, और SME जो फाइनेंस है, जो स्मॉल फाइनेंस है, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी छोटा है तो उस हिसाब से इसके जो कंपटीटर है, दिग्गज दिग्गज कंपनी है, बड़े से बड़े कंपनी इसका कंपटीटर है, तो उसके साथ टक्कर ले रहे हैं, और टक्कर लेने के बाद भी अच्छा खासा काम कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। कंपनी का फाइनेंशियल जो मार्जिन है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो चुके थे बीच में कोविड के टाइम में, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके फिर से वो ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। तो कंपनी में देखिए स्ट्रेंथ जो है बहुत शानदार देखने को मिला। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, इस बार कंपनी तो हद से भी ज्यादा हो गया, 16% के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ में बीच में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला था 3 साल में, बाकी ठीक ठाक है। कंपनी का रिटर्न के मामले में 3 साल 5 साल में, सॉरी 3 साल 1 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ, 5 साल में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। रही बात चार्ट पैटर्न के, तो मैं आपको एक ट्रेड भी दिया था, मैं खुद ट्रेड लेके बैठा हुआ हूँ, तो मैं इस कैंडल को ब्रेकआउट कर किए थे इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं रिट्रेसमेंट में एंट्री लेता हूँ, तो रिट्रेसमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला इस कैंडल में, इस कैंडल के ऊपर मैं एंट्री लिया हूँ, इसके ऊपर एंट्री मेरा बना है, और मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे रहेगा और मेरा टारगेट इस लेवल तक रहेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 1:3 नहीं होगा, हाँ यहाँ पे 1:2 देखा जाए तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, ऊपर 2.3 के आसपास होगा, फिर भी मैं इसके इस लेवल तक टारगेट फॉलो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस जोन है,
तो उसको फॉलो करके मैं चलूंगा। तो आप भी ट्रेड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जो है बीएससी लिमिटेड। आप सभी जानते हैं बीएससी लिमिटेड बहुत पहले से ही मार्केट में लिस्टिंग है और एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सचेंज है और इंडिया में दो ही एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी, जो जो मेजर दो एक्सचेंज है, उसके बाद भी बहुत सारे एक्सचेंज है। तो जो मेजर एक्सचेंज है बीएससी और एनएससी, एनएससी मार्केट में अभी तक लिस्टिंग नहीं हो पाए क्योंकि सेबी ने उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, इसलिए एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हो पाए। तो उसका फायदा डायरेक्ट बीएससी को मिल रहा है। देखिए बीएससी फायदा कहाँ से कमाते हैं, क्योंकि बीएससी के ऊपर जितने सारे कंपनीज लिस्टिंग है उससे वो चार्जेस पे लेते हैं, उस चार्जेस से बीएससी चलते हैं। तो इस कंपनी में कुछ दिनों से अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था, पिछले दिनों में 8.5% का तेजी देखने को मिला था। एक रिपोर्ट बता रहा है कि कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके ग्रोथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो एक मंथ में कंपनी 20% तक रिटर्न दे दिया, ये तो ठीक ठाक था, मगर 6 मंथ में कंपनी का हालत खराब हो गया, 18% का लॉसेस। एक साल में तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिला, 40 से 50% के आसपास लॉसेस, और 5 साल में पॉजिटिव, मैक्सिमम में पॉजिटिव। तो कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जाने के लिए सोचना चाहिए। कोविड के टाइम में मैं खुद इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया था, कोविड के टाइम में 100 रुपीज़ के आसपास, 100 रुपीज़, 100 से 150 रुपीज़ के आसपास। तो उसके बाद मुझे प्रॉफिट मिला, अभी तक मैं होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट इतना छोटा नहीं है। मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट अराउंड अराउंड 5,000 के आसपास के मैं जरूर लूंगा। देखिए ये कोई मेरे को आपको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जगह आप भी बाई कर लीजिए, 5,000 जाएगा सर ने बोला, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा फ्यूचर का विजन इस कंपनी के ऊपर क्लियर है, तो इसलिए मैंने टारगेट 5,000 तक रखा है। तो 5,000 जाएगा कि नहीं जाएगा वो अलग बात है। तो मेरा प्रेडिक्शन लॉन्ग टर्म के लिए है, 10 साल 15 साल के लिए है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इस कंपनी जरूर जा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होगा तो इस कंपनी को भी फायदा होगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, इस कंपनी के मैं डिटेल्स आपको दिखा दूं तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, 6,600 करोड़ के आसपास है, फिर भी इस कंपनी टोटली डेट फ्री है, ये बात सबसे मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर टिके हुआ हूँ। साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे कमा के दे रहा है, अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। और रही बात कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से, कंपनी का अच्छा खासा मार्केट कैप टू सेल्स देखने को मिला, मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी ज़्यादा देखने को मिला है। कंपनी का अभी करंट जो वैल्यूएशन है कंपनी के इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन से ज़्यादा है, मतलब पीई से ज़्यादा है, तो इसलिए कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कंपनीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 50% डाउन हो चुके हैं। 60% के आसपास कंपनी का ओपीएम था, आज वो 30% के आसपास हो चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी, आपको देखिए ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। आप सोच रहे हैं कि पहले 450 करोड़ का प्रॉफिट था, 500 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 900 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हर साल देखा जाए तो इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण हर चीज़ का प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहा है। तो देखिए 10 साल पहले जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिलता था, आज वो प्राइस शायद आपको 50 रुपये में मिल रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन बढ़ रहा है उस हिसाब से आपको सेल्स ग्रोथ तो देखना चाहिए, एक्सपेंस किस तरीके से मेंटेन कर रहा है वो भी देखना चाहिए, उसके साथ साथ आपको ओपीएम देखना चाहिए। ओपीएम अगर ठीक ठाक चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको ठीक ठाक देखने को मिला, तो सोचना इस कंपनी में ऑब्वियसली कुछ बड़ा होने वाला है। तो रही बात कंपनी का अर्निंग पर शेयर में, अर्निंग पर शेयर भी ग्रोथ हो रहा है, ये अच्छी बात है। कंपनी शायद आपको एक साल में अच्छा खासा लॉसेस दे, इसी का फायदा आपको उठाना चाहिए। डिस्काउंट में कंपनी मिला है, इस डिस्काउंट का फायदा आपको उठाना चाहिए। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर की लिस्ट यहाँ पे नहीं है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको पहले भी बोला था, इस रेंज को अगर लॉन्ग जर्नी करके ब्रेक डाउन करते हैं तो एंट्री मत लेना, आपको एंट्री लेना है इस कोई भी रिवर्सल एंट्री में, तो रिवर्सल एंट्री अभी नहीं भी नहीं बना और 200 डेज की ईएमए के आसपास है, तो मैं इस तरीके से जगह पे ट्रेड नहीं लूँगा। तो आपको कोई ट्रेड लेना है तो जरूर वॉच करिए, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जो मैं पहले से आपको अपडेट दे दूंगा। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है निपोन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो निपोन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, तो ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसका मतलब एक देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन है, जो जितने सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, जितने सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जितने सारे लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका बिजनेस जो मेन बिजनेस का रेवेन्यू जाते हैं वो पीएमएस के माध्यम से, साथ ही साथ देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से। आप कहेंगे सर पीएमएस क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है। मतलब आप मान के चलिए आपके पास करोड़ लाखों करोड़ का पैसा है, तो आप उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे आपको पता नहीं है, तो इस तरीके से कंपनी आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके देंगे। तो इस कंपनी के बारे में बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट आया था। कंपनी क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी कुछ देखा जाए तो खास परफॉर्मेंस नहीं किया। पिछले बार में जो प्रॉफिट हुआ था इस बार भी उसी तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला, पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बीट यहाँ पे कर चुके हैं।
अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कुछ खास अर्निंग पर शेयर चेंजिंग नहीं देखने को मिला। पिछले बार भी 3.19% था, इस बार भी 3.19% है। तो निपोन लाइफ इंडिया मतलब निपोन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और कंपनी में मुझे उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। आप कहेंगे सर कंपनी डेट फ्री है, देखिए हर डेट फ्री कंपनी बढ़िया रिटर्न नहीं देंगे। मैं इस हफ्ते में आपको संडे के दिन एक वीडियो आपको साथ अपलोड किया हूँ, यहाँ पे मैं 5 कंपनी के बारे में डिस्कस किया हूँ जो टोटली डेट फ्री है, जीरो है, जो पेनी स्टॉक है, 10 रुपये के अंदर चला है, तो क्या उसके ऊपर निवेश करना चाहिए? आप उस वीडियो देख के मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो ये था कुछ कंपनी के डिटेल्स, तो आपके पास कौन सा कंपनी की हिस्सेदारी है मुझे जरूर कमेंट करना। और मेरे इस सारे कंपनीज के ऊपर मुझे महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर और BSE के ऊपर मेरा ऑब्वियसली हिस्सेदारी है। मेरे पास कोई निपुण लाइफ एसेट मैनेजमेंट का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, तो आपके पास है तो मुझे जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो टोटल एडुकेशन पर्पज में था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।